रेसिडेंसी ताइबा आहित फैशन मूड से सभी को ईद का मौके पर मुबारकबाद देते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक महीना का रमजान के बाद खुशी का ईद आता है और इस साल सभी को हम लोग ईद मना रहे हैं, बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि पिछला 2 साल कोरोना का कारण से उस तरह से ईद नहीं मनाया गया जिस तरह से अक्सर हम लोग आसनसोल में देखते हैं। लेकिन इस बार हम लोग जानते हैं कि क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, तो इस साल का जो ईद है वो बहुत ही अच्छा से होगा और धूमधाम से होगा। मैं यही चाहूँगा कि सब कोई अच्छा रहे, खुशी रहे, सुखी रहे, सबका तरक्की हो और ईद का मौके पर सब कोई अपना खुशी और आनंद करे अपने परिवार को साथ, अपना रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, और खुशी का ईद का दिन सभी हम लोग एक दूसरे का गला मिले। ईद उल फित्र के मुबारक मौके पे आसनसोल कॉरपोरेशन के इलाके में रहने वाले तमाम बासिंदगान को दिल की अमीर गहराई से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह के बारगाह में दुआ गो हूँ कि ईद का दिन ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का हर दिन ईद की खुशियाँ की तरह हर लोगों के दिल में जगह बनाए, हर दिन ईद की तरह उनके लिए। अमीर गहराइयों से मुल्क के तमाम लोगों को, सारे अपने बिरादरान वतन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर से इस वक्त जो मुल्क में अक़लियतों के साथ जो परेशानी है, मुसीबतें हैं, उनके साथ जो है तरह तरह के खिलवाड़ करी जा रही है, उनके दिलेजारी करी जा रही है और उनके साथ जो है उनके जो है मजहबी शनाख्त से भी जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जो भी मोमिन, सारे मोमिन जो 30 रोज़े रखे हैं, उनके रोज़े को तूने अगर कबूल फरमाया है तो उसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में अक़लियतों की इज्जत और अज़मत को बहाल कर दे और जो फासिस्ट ताकतें हैं, फिरका परस्त ताकतें हैं, उसको पसमानदा कर दे। और आइए एक बार फिर हम लोग सब मिलकर तमाम तर हम लोग बातों से दूर हटकर ईद की खुशियों को खुशियों में हम लोग शामिल हो जाएं और अपने इर्द गिर्द मुजाफात में जो भी गरीब, नादार, मिस्कीन, ज़रूरतमंद, यतीम है, आगे उनकी ज़रूरतों का हम लोग ध्यान रखते हुए हम लोग इस्लाम की जो हकीकी पैगाम है और इसके जो रूहानी माने हैं ईद के, उसके साथ हम लोग ईद की खुशियां मनाएं और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि इस मुल्क में अक़लियतों की जो है इज्जत अज़मत बहाल हो जाए। खुदा हाफ़िज़। आज ईद के इस शुभ अवसर पर मैं शिल्पांचल वासियों तथा बानपुर शिल्पांचल के हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को मैं अपने तरफ से ईद की शुभकामना देता हूँ। हर एक शिल्पांचलवासी शुभ ईद को हर्ष उल्लास के साथ मनाए। हम लोग सब जानते हैं कि बहुत दिन बाद पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना काल में आदमी जूझ रहा था अपना ज़िंदगी लेकर, ज़िंदगी को किस तरह से बचाए वो लेकर हम लोग जूझ रहे थे, मगर इस जूझने का बावजूद अभी जो हम लोग का समय है, सभी हम लोग थोड़ा खुले वातावरण में हम लोग सांस ले रहे हैं, तो हर एक आदमी का ये इच्छा है कि देखिए कुछ दिन पहले रामनवमी भी अच्छा से सब मनाया, हम लोग चाहते हैं ईद भी सब अच्छा से मनाए, हर एक उत्सव अब अच्छे से सब मना सके, आदमी खुल के निकल सके, आदमी खुल के गले मिल सके, आदमी खुल के एंजॉय कर सके, आदमी हर एक पर्व को खुल के कर सके और ईद को भी इसी तरह से हर्ष उल्लास के साथ पूरा शिल्पांचलवासी, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के हम लोग ईद मनाएंगे। ईद के मौके पे सभी देशवासियों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो।
सभी लोग मिलजुल कर प्यार और शांति के साथ ईद मनाएं। मैं चंकी सिंह, सत्यजीत कुमार सिंह, तमाम शिल्पांचल वासियों को ईद की शुभकामनाएं एवं देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम। एक महीने रमजान गुजरने पे है और कल इंशाल्लाह चांद दिखते ही ईद होगी। मैं आसनसोल के तमाम लोगों को, मैं शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस का प्रेसिडेंट, मैं अपने ओर से, अपने नेता राहुल गांधी की ओर से आप तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। क्योंकि 2 सालों से कोविड के वजह से लोग ईद की खुशियां उस तरीके से मना नहीं पा रहे थे। आज मार्केट में देखा जा रहा है कि लोग खुलकर ईद की मार्केटिंग भी किए और खुशी ईद का मनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आसनसोल के तमाम लोग खुशी खुशी ईद का त्यौहार मनाएं। मैं मोहम्मद शाकिब, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मेट्रो डिपार्टमेंट के चेयरमैन। अभी फास्टिंग, एक महीना माह रमज़ान और साथ ही साथ आने वाले ईद उल फितर के मौके पर मैं तमाम हिंद के वासियों को तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ईद एक ऐसा त्यौहार है जो कुदरत ने एक तोहफा के शक्ल में अता किया है। एक महीना फास्टिंग रमजान मुबारक के बाद अल्लाह ने एक बड़ा तोहफा अता किया है, ईद उल फितर। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो अपने इलाके, अपने भाई, अपने पड़ोसी और पूरे इंसानियत के लिए एक अल्लाह ने एक ऐसा तोहफा तय किया है जो एक दूसरे से अगर भेदभाव है तो मुत्तहिद होकर मिलकर एक दूसरे को गला लगाना है और उनके दुख और सुख में खड़ा होना है। इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले जो जिंदगी हो, आने वाला जो दिन हो, ईद का मौका हो, तमाम हिंद में और ख़ास करके पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान आसनसोल में यहाँ अमन का फिजा कायम हो और भाईचारगी बना रहे, यही आशा करते हैं। मैं शिल्पांचल वासियों को ईद के इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं और हंसी खुशी सब मिलकर इस पर्व को मनाएं और सुख समृद्धि की मैं कामना करता हूं। नमस्कार, नमस्कार। आज शुभम एंटरप्राइज कर्णधार सकल शिल्पांचल वासी के ईदर प्रीति और शुभेच्छा रही हमारे तरफ थे, जाते शांतिपूर्ण भावे आनंदते ईद पालन है। आसनसोल कॉर्पोरेशन 75 নম্বর वार्ड থেকে আমি সকল শিল্পাঞ্চলবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাই। কাল তো আমাদের আলবিদা হয়ে গেছে, শুক্রবার মানানো হয়েছে, তো আগামী দিন যে আমাদের ইয়ে আসছে, সকল শিল্পাঞ্চলবাসীকে এবং এলাকাবাসীকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। নমস্কার, আমি প্রগতিশীল বাউরি সমাজের জেলা সভাপতি। আগামীকাল সম্ভবত আমাদের ঈদ মহোৎসব আমাদের শিল্পাঞ্চল তথা পুরো দেশে পালিত হবে, তাই আমি সকলকে আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই। কারণ এই দাবদাহের মধ্যে আমাদের যারা ঈদের সময় যারা রোজা রেখেছিলেন এই কষ্টের মধ্যে, এটা তো প্রমাণ হয় বাস্তবে যে আল্লাহ ভগবান কোথাও না কোথাও মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এমনকি দেখছেন আপনারা যে আমাদের আসানসোলবাসী আমাদের দলমত নির্বিশেষে, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতি বজায় রেখে পরে আমরা যাতে আগামী দিনে ঈদকে মানে খুব সুন্দরভাবে পালিত করতে পারি, এই আশায় কিন্তু আমি শিল্পাঞ্চলবাসীকে রাখবো। কারণ ধর্ম যার যার উৎসব কিন্তু আমাদের সকলের, তাই আমি সকল মানে শিল্পাঞ্চলবাসী এবং দেশবাসীকে এটি ঈদের প্রীতি এবং প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। हमलोग रमज़ान के आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं और आखिरी अशरे के आखिरी तारीख से गुजर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इसकी बरकत से हम तमाम लोगों के रोज़ों को कबूल फरमा लें और हम लोग जैसे भी हों, जिस साल में हों, तुम्हारी उम्मत हैं और हुजूर की उम्मत हैं और हुजूर की उम्मतियों का सिर्फ एक ही सवाल है कि अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को खैर वाफियत से रख और जो बैरूनी साजिशें हैं उन तमाम साजिशों को मलिया मीट कर दे, यही हम लोगों की तरफ से यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज राजू ईद का शुभकामना देते हैं। 2 साल से जो अच्छा से ईद नहीं गुजरा है, इसीलिए बहुत दुखी था। इस बार अल्लाह करम है, कोविड का बहुत कम परसेंट है, लेकिन इस बार ईद मुबारक
बहुत अच्छा से गुजरेगा। सबको ईद मुबारक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीद अहमद अंसारी दिल की गहराइयों से अहले वतन को आसनसोल उर्दू फाउंडेशन के तरफ से ईद मुबारक। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहां उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विद प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विद प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग, अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास घागरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घागरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 9933121270 एंड 7076368674। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शन सपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सौष्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। अगर आप हैं एक फैशन लवर तो जाहिद फैशन मूड्स है आपकी राइट डेस्टिनेशन, क्योंकि यह है महिलाओं की पहली पसंद। यहां आपको मिलेंगे लेडीज आउटफिट्स की एक से बढ़कर एक कलेक्शंस। जाहिद फैशन मूड्स, कलेक्शंस ऐसी जो आपका मूड बदल दे। न ज्यादा महंगा, न ज्यादा सस्ता, बजट होगा केवल आपके अनुसार। हमारे यहाँ क्रॉप टॉप, गरारा, सरारा, सूट पीस, कुर्ती, जीन्स, लहंगा, लेगिंग्स, जेगिंग्स के अलावा अन्य सभी प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। हमारा पता है हाजी बेल्ट लाइन, बस्तिन बाजार, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 7031537798। डोंट वेट एनी मोर, गेट ट्रेंडी। इस ईद को और भी बनाए यादगार, चले आए फिरदौस हैंडलूम स्टोर। यहाँ मुनासिब कीमतों पर मिलेंगे बेडशीट, बेड कवर, लुंगी, गमछा, तावल, पर्दा। तो आज ही आइए, हमारा पता है बस्टिन बाजार, मिर्जा गालिब रोड। कमेटी की ओर से ईस्टर्न रेलवे स्कूल के बंद के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेनिंग किया गया। DRM दफ्तर के सामने संगठन की ओर से केंद्र की शिक्षा नीति के खिलाफ प्रतिवाद किया गया। आज हम यहां पर ऑल बंगाल सेव एजुकेशन कमेटी की आसनसोल शाखा से यहां पर इसलिए खड़े हैं
कि हमारे आसनसोल का एक बहुत ही गौरवशाली जो इंस्टीट्यूशन है वो बंद होने की कगार पर आ चुका है। ऐसी नीति लाई जा चुकी है जिससे ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। हमारे छोटे भाई बहन जो अभी वहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आइए और हम सब यहाँ पर डेपुटेशन कॉपी में आप सबके सिग्नेचर चाहते हैं, जिससे हम लोग इस डेपुटेशन कॉपी को DRM साहब के पास जाकर के सबमिट करेंगे और अपना प्रतिरोध जाए दिखाएंगे कि नहीं, ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल को बंद नहीं किया जा सकता। ये आसनसोल का एक गौरवशाली इंस्टीट्यूशन है जो काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करता हुआ आ रहा है। आज भी उस स्कूल में कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि क्लास 2 से लेकर के 8 तक इन बच्चों को दूसरी जगह पर एडमिशन लेने के लिए कहा जाता है और नया एडमिशन स्कूल को लेने से मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार आसनसोल के इतने बड़े स्कूल को बंद कर देने के खिलाफ आज हम सब ऑल बंगाल सेव एजुकेशन कमेटी की तरफ से यहाँ पर आए हैं, जिससे हम आसनसोल के निवासी जो शिक्षा को समझते हैं, इस स्कूल की अहमियत तो जानते हैं, यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो करके इस डेपुटेशन पर साइन करें। दी आसते पारी और एटा बोलते पारी जे आम्रा ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल के बंध होते दीते चाहिए ना। आसुन अपनारा सकले जस्ट 2 मिनट लागबे अपनादेर ए ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूलटाके बाचानोर जन्य। आसुन आर ए सिगनेचारटा करे जान। आम्रा एखन ए डेपुटेशन कपिटा जे परे DRM मशाइके सबमिट करबो, जाते आम्रा निजेदेर प्रतिरोध जानाई। ईस्टर्ন রেলওয়ে হাই স্কুল আমাদের আসানসোলের এই ঐতিহ্যকারী একটা স্কুল, যেখানে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে বাচ্চারা পড়তে আসে, শিক্ষা গ্রহণ করে, এমন একটা ঐতিহ্যকারী স্কুল যার বন্ধ যেন না হয় সেই প্রচেষ্টায় আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আসানসোলের বুকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ইস্টার্ন রেলওয়ে স্কুল বন্ধ করার নোটিশ আমরা যে দেখতে পাচ্ছি সেটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020-এর একটি ষড়যন্ত্র। শুধুমাত্র ইস্টার্ন রেলওয়ে স্কুলগুলি নয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো দেশে প্রত্যেকটি রাজ্যে সরকারি স্কুলগুলোকে ক্রমশ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ওড়িশার 14,000-এর বেশি সরকারি স্কুল অলরেডি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। करीब आसनसोल फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रन फॉर चैरिटी रोड रेस का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल नगर निगम के उप मेयर से INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक ने झंडा दिखाकर उन्हें रवाना किया। लड़कियों के ग्रुप में आशा और लड़कों के ग्रुप में रमेश चैंपियन रहे। अशोक रुद्र, डॉक्टर संजय चौधरी, डॉक्टर AK झा, राजेश सिंह एवं अन्य गणमान्य लोग इस दौरान खास तौर से मौजूद थे। हमें मॉर्निंग वॉक करते चले स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब धीरे धीरे चल, यही भी 10 का स्पीड में चल। हाँ चल चल चल, ठीक है, हाँ चलते रह, चलते रह, यही मीडियम में चलते रह। बस हल्का धीरे कर, चलते रह। हाँ बस यही नॉर्मल स्पीड में चल, तो खाली गाड़ी उड़ी आगे में साइड कराते जाना, साइड करा कर, गाड़ी उड़ी सब साइड करा देना भाई। चल चल चल, थोड़ा टान, थोड़ा टान, हाँ थोड़ा टान।
स्पीड में चल। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत मजार शरीफ रोड टीएमसी कार्यालय में आफताब जलाल बीडी कंपनी की ओर से लुंगी एवं साड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया, जहां करीब 100 लोगों के बीच लुंगी एवं साड़ी वितरित की गई। इसके साथ ही आफताब बीडी वाले ने बताया कि वार्ड नंबर 89 के पार्षद मुजम्मिल शहजादा अंसारी और वार्ड नंबर 91 के पार्षद राजू सिंह के नेतृत्व में उन वार्डों के साथ साथ अन्य कई वार्डों में भी इस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आफताब जलाल बीड़ी कंपनी हमेशा लोगों की मदद के लिए प्रयास करता है, चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार क्यों ना हो। भाग करो, भाग करो, भाग करो। बीच में जाम हो जाए, ठीक है, कल दे दे। अरे समझे बात ले ले, समझे। अरे बताइए जाए चीज को, तो करना है। ना कैसे उनके बोला, और कैसे उनके बोला। टीएमसी की तरफ से क्या कार्यक्रम किए आप लोग? आप लोग सब जानते हैं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी हर समय जनसाधारण के साथ, जनसाधारण के उद्देश्य में रहती है। उसको अनुसरण करके आज पवित्र ईद के मौके पर हमारे 35 नंबर वार्ड आज़ाद नगर पार्टी ऑफिस में आफताब जलाल बीड़ी कंपनी और मुन्ना टी स्टॉल के तरफ से 1000 ज़रूरतमंद इंसानों को 500 लुंगी और 500 साड़ी और इलाकावासी तमाम को ईद का शुभकामनाएँ दिया गया देना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग शिल्पांचल वासी को भाईचारा बनाए रखने के लिए ईद की सभी को हम लोग शुभकामनाएँ देने चाहते हैं। और ममता बनर्जी के एक सैनिक हिसाब से हम लोग हर समय साधारण आदमी के पास खड़े होने का। अब भी कुछ कार्यक्रम किया जाएगा? ये एज ए सोशल वर्कर हर समय जरूरतमंदों इंसानों के पास खड़े रहते हैं। कौन? हम आफताब जलाल बीड़ी, हम लोग इससे पहले भी देखे हैं कोरोना काल में, और जो बाढ़ आई थी उसमें भी बहुत सारा खाना सामान और ज़रूरतमंद चीज बहुत आदमी के बीच बांटा गया है। और ये एक सोशल वर्कर हिसाब से हर समय काम करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आरजू मुख्तार, मैं पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल छात्र परिषद का साधारण संपादक। मोहम्मद अफ्ताब आलम, हम जलाल बीड़ी कंपनी। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।